हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का एक और आरआरबी ने लेवल 5 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंतजार खत्म हो चुका है, सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक और आरआरबी का एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट जारी हो चुका है। यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत ही कम गया हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल के अपडेट्स के लिए। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये अपडेट हमारे ही चैनल पर मिल रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर शाम के 6:06 का वक्त है और मैं आरआरबी जम्मू के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं rrbjammu.nic.in। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखिए एनटीपीसी का लेवल 5 का रिजल्ट जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर CN01/2019 लेवल 5 रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स। देखिए फर्स्ट लिस्ट दी है आपको रोल नंबर वाइज कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पे लेवल 5 पोस्ट, एंड दूसरा जो है कट ऑफ मार्क्स दिया गया जो कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टिंग जिस पर किया गया। तो चलिए यहाँ पर लेवल 5 का जो हम पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है लिस्ट हमने रोल नंबर वाली जो है पीडीएफ को ओपन कर रखा। आप देख सकते हैं आरआरबी जम्मू की तरफ से लेवल 5 का दिया गया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 5। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हम जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है रोल नंबर आपके दिए गए हैं। अगर रोल नंबर आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप सर्च भी कर सकते हैं पीडीएफ में। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल अगर देखा जाएगा तो टोटल जो है 260 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है लेवल 5 पोस्ट में। अगर बात करें इनके डीवी की, तो देखिए यहाँ पर जो इनका डीवी रखा गया है लेवल 5 के लिए, आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल कमेंस 12 दिसंबर। देखिए यहाँ पर 12 दिसंबर से मतलब आज से जो है लगभग इनको 24 दिन बाद जो है इनका जो है डीवी रखा गया है आरआरबी जम्मू की तरफ से लेवल 5 का। और देखिए आप अगर बात करते हैं लेवल 5 में आरआरबी जम्मू की वैकेंसी टेबल कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आरआरबी जम्मू की जो है वैकेंसी टेबल को ओपन कर रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करेंगे लेवल 5 में, तो देखिए यहाँ पर जो है 5 तरह की पोस्ट दी गई थी लेवल 5 में। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल अगर बात करेंगे तो देखिए 70, उसके बाद 8, फिर 5, फिर 13, फिर 70, फिर 9, फिर 95, उसके बाद जो है 2 वैकेंसी, मतलब टोटल अगर इनका अगर काउंट किया जाएगा तो हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल जो है आरआरबी में 272 वैकेंसी है आरआरबी जम्मू की लेवल 5 में, लेकिन वहाँ पर जो है अभी कैंडिडेट्स को 260 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 12 वैकेंसी मतलब 12 कैंडिडेट्स को इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट आरआरबी में मतलब कि लेवल 6 के कुछ कैंडिडेट जिन्होंने डीवी नहीं दिया हो तो उनको लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा। किसी ने अंडरटेकिंग नहीं भरा हो कि हमें भाई लेवल 6 की पोस्ट नहीं चाहिए, तो उनके लिए जो है लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा। किसी का हो सकता है कोई मेडिकल का इशू हो या फिर डीवी का इशू हो, तो उनको जो है लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो 12 कैंडिडेट्स इसलिए यहाँ पर छोड़ दिए गए होंगे लिस्ट में। तो यहाँ पर जो है टोटल आप समझ गए होंगे कि इतने कैंडिडेट्स को इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कटअप मार्क्स की आरआरबी जम्मू में लेवल 5 का कटअप कितना गया। तो इसे हम पीडीएफ को ओपन करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 दिसंबर से जो है आरआरबी जम्मू के जो है डीवी स्टार्ट हो रहा है लेवल 5 के लिए। देखिए यहाँ पर जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आरआरबी जम्मू में दो प्रकार के जो है जोन चलते हैं, एक तो नॉर्दर्न रेलवे चलता है, एक DMW चलता है, और उसी के नीचे अगर देखा जाए तो देखिए RCF भी चलता है। यहाँ पर टोटल जो है 3 रीजन चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेवल 5 में अगर गुड्स गार्ड के वैकेंसी की बात करें, तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ गया ओपन का जो है 83 मार्क्स गया है, 69 SC का गया है, उसके बाद जो ST का 67 गया है, 81 OBC का गया है, और जो है 78 EWS कैटेगरी का गया है। वहीं पर अगर बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का DMW में अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए 80 जो है UR का गया, 74 SC का गया है। ST का अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वैकेंसी खाली हो, ठीक है, यहाँ पर कोई वैकेंसी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, फिर यहाँ पर कोई, ठीक है, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 79 OBC का गया और EWS का जो है 77 गया है। अब इसी के बाद बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सारे जो कट ऑफ है आप देखे जाएगा तो 120 मार्क्स से इनको काउंट किया गया, मतलब कि 120 में से काउंट किया गया कट ऑफ मार्क्स को। अब उसके बाद बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, ये टाइपिंग पोस्ट है, ये RCF, ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री का बात करें तो यहाँ पर जो है 84 गया है ओपन का, उसके बाद जो है SC में हो सकता है वैकेंसी नहीं हो, और ST का 57 गया, 78 जो है OBC का गया, उसके बाद EWS में भी हो सकता है वैकेंसी नहीं हो। अब इसी के बाद बात करें तो 78 ओपन में गया UR का, 66 SC का, ST में हो सकता है कोई वैकेंसी ना हो, और OBC का जो है ओपन में जो है कितना गया है तो 78, उसके बाद जो है EWS का 75 गया है। अब इसी के बाद बात करते हैं तो देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिंग पोस्ट है, ये नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो देखिए ओपन में जो जनरल का है वो 76 गया है, SC का 61, ST का 58, 74 जो है OBC का, और 73 जो है EWS का गया है। अब इसी के रिगार्डिंग अगर हम अगले बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी जो है रेल कोच फैक्ट्री के लिए टाइपिंग पोस्ट है, तो 76 जनरल का गया है, SC में हो सकता है वैकेंसी नहीं, ST में भी नहीं हो, और 76 जो है OBC का भी यहाँ पर गया है, 72 जो है EWS का गया है। अब अगर बात करें सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है SSC TC, मतलब कि ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है, तो इसमें जो है 81 गया है जनरल का, 68 SC का, इसके बाद 63 जो है ST का, और 80 जो गया है वो OBC का, 77 EWS का गया है। अब DMW में अगर बात करें किसका, तो देखिए सीनियर टाइम कीपर की, ये
अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 80 गया जनरल का, एस सी में हो सकता है वैकेंसी नहीं हो, 61 जो है एस टी का गया, ओ बी सी में कोई वैकेंसी नहीं होगी, और पी डब्ल्यू एस में भी हो सकता है यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सारे कट ऑफ को काउंट किया गया, वो 120 मार्क्स में से किया गया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग थोड़ा 70% से कम ही यहाँ पर जो है 70% से कम ही जो है जनरल का भी यहाँ पर कट ऑफ गया, आप देख सकते हैं कुछ कुछ पोस्ट में। तो चलिए दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ, सबसे पहले मैंने शेयर कर दिए। ऐसे ही पर्पल की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स।